हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल शाइन द वर्ल्ड विद आरजी में। आज मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 12 से एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर, प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा। इस चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि लॉन्ग आंसर में आते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए। बाकी जो वैदिक कालीन में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उसके गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। वैदिक काल में वर्तमान समय की तरह विद्यालय नहीं थे, बल्कि गुरुओं के आश्रम में स्थायी रूप से रहकर छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। छात्र माता पिता से अलग रहकर गुरु के आश्रम में ही शिक्षा प्राप्त करते थे। अर्थात जो वैदिक काल था, प्राचीन काल था, वहाँ पर प्रेजेंट टाइम की तरह स्कूल नहीं थे, स्कूल कॉलेज नहीं थे। वहाँ पर जो गुरु होते थे, उनके जो आश्रम होते थे, तो छात्र वहीं पर रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। और जो छात्र होते थे वो अपने माता पिता से, जब तक कि वो शिक्षा प्राप्त करते थे तब तक अपने माता पिता से अलग ही रहते थे, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हॉस्टल होते हैं उसी टाइप से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताएँ, या फिर गुड़ भी नहीं कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट होता है, फर्स्ट गुण या विशेषता है, वो है शैक्षिक स्वायत्तता। तो चलिए देख लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा बाह्य नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त थी। राज्य सत्ता का इन पर कोई नियंत्रण नहीं था। यद्यपि राजा महाराजा गुरुकुलों की हर प्रकार से सहायता करते थे, परंतु उनके नियम कानून इन संस्थाओं पर लागू नहीं थे। मतलब कि जो वैदिक काल में जो गुरुकुल या आश्रम होते थे वो पूरी तरह बाह्य नियंत्रण से मुक्त होते थे। अर्थात मतलब कि वहाँ के जो राजा महाराजा होते थे उनका गुरुकुलों या फिर वो शैक्षिक संस्थाओं पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता था। गुरुकुलों में जो वहाँ के गुरु होते थे, अध्यापक होते थे, उन्हीं का नियंत्रण होता था। वहाँ के राजा महाराजा गुरुकुलों की सब प्रकार से सहायता करते थे, दान दक्षिणा सब कुछ देते थे, परंतु उनके कोई भी नियम कानून गुरुकुल पर लागू नहीं होते थे। तो इसे ही शैक्षिक स्वायत्तता कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं सार्वजनिक तथा निःशुल्क शिक्षा। तो गुरुकुलों में प्रवेश के लिए कोई शुल्क या फीस नहीं थी। उपनयन संस्कार के बाद छात्रों को प्रवेश मिलता था। बल्कि जब गुरुकुल में छात्र प्रवेश लेते थे तो उन्हें कोई भी फीस या फिर शुल्क नहीं देना होता था। वो फ्री में ही एंट्री भी करते थे गुरुकुल में और पूरी पढ़ाई भी ऐसे ही करते थे। उनका कोई भी फीस या शुल्क नहीं पड़ती थी। उपनयन संस्कार के बाद छात्रों को प्रवेश मिलता था और जब उनका उपनयन संस्कार होता था उसके बाद ही छात्रों को प्रवेश मिलता था। तो आई होप आप, इसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड हेडिंग, व्यवहारिकता की शिक्षा। विभिन्न विषयों की सैद्धांतिक शिक्षा के साथ छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। बल्कि प्रत्येक विषय, जो भी विभिन्न विषय वहाँ पे पढ़ाए जाते थे, उनके साथ ही साथ उन्हें व्यवहारिकता की शिक्षा भी दी जाती थी कि अपने बड़ों या फिर छोटों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं, कृषि और पशुपालन को प्रत्येक गुरुकुल में सिखाया जाता था। और सभी विषयों को पढ़ाने के साथ ही साथ, अर्थात मतलब कि जो धार्मिक विषय होते थे, जो ये व्यवहारिक विषय होते थे, इनको पढ़ाने के साथ साथ वहाँ पे कृषि और पशुपालन की शिक्षा भी दी जाती थी। इसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट, शिक्षा की अवधि। मतलब कि गुरुकुल में शिक्षा कितने टाइम तक की होती थी। तो गुरुकुलों में विद्यार्थी उपनयन संस्कार के पश्चात प्रवेश लेते थे तथा सामान्यतः 24 वर्ष तक की अवस्था तक रहकर विद्या अध्ययन करते थे। बल्कि गुरुकुल जो होते थे वहाँ पर छात्र जब उपनयन संस्कार हो जाता था तब प्रवेश करते थे। तो यहाँ पे तीन प्रकार के छात्र होते थे, ब्राह्मण के छात्र, क्षत्रिय और वैश्यों के। तो जो ब्राह्मण होते थे उनका जो गुरुकुल में प्रवेश होता था वो 8 वर्ष की अवस्था में होता था, जो वो क्षत्रिय थे उनका 11 वर्ष की अवस्था में होता था और वैश्यों का 12 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में प्रवेश होता था। तो सभी को 24 वर्ष की आयु तक की यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। तो यही शिक्षा की अवधि थी। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हमारी हेडिंग कौन सी है, वैदिक शिक्षा के दोष। बल्कि हमने गुण देख लिए, अब हम देखते हैं वैदिक शिक्षा के दोष क्या क्या थे। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख कमियों को निम्न ढंग से सूचीबद्ध किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट हम लोग दोष देख लेते हैं, धर्म को अत्यधिक महत्व। बल्कि वैदिक शिक्षा में जो धर्म था वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता था। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वैदिक शिक्षा में धर्म को अत्यंत महत्व दिया जाता था। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था धार्मिक विचारों से प्रवाहित होती थी। मतलब कि जो
वैदिककालीन में शिक्षा होती थी उसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना था, यही वहाँ शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य होता था। और जो वैदिककालीन शिक्षा होती थी वो पूर्ण रूप से धार्मिक शिक्षा पर ही आधारित होती थी, तो ये उसका सबसे बड़ा दोष था कि वहाँ पर धर्म के अलावा कोई शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। इसके बाद चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। यद्यपि वैदिक काल में प्रारंभ में स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, मतलब कि वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त नहीं करने दिया जाता था, वहाँ पर वैदिक काल में केवल पुरुष ही आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यदि कोई स्त्री शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो वह अपने घर पर रहकर ही अपने माता पिता या फिर किसी से शिक्षा प्राप्त करती थी, तो ये भी बहुत बड़ा दोष था कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं प्राप्त करने दिया जाता था। चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हमारा। तो इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। वैदिक काल में शिक्षा का परिप्रेक्ष्य में शूद्रों को हेय दृष्टि से देखा जाता था, बल्कि वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी वो केवल 3 ही समुदाय के लोगों के लिए होती थी। शूद्रों का को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल द्विजों अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्यों को था। यही जो मैं बता रही हूँ कि वहाँ पर सिर्फ 3 समुदाय को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य। शूद्रों को शिक्षा नहीं प्राप्त करने दिया जाता था, तो ये बहुत बड़ा दोष था। इसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट लोक भाषाओं की उपेक्षा। वैदिक काल में केवल संस्कृत अध्ययन और अध्यापन का प्रचलन था, लोक भाषाओं का शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं था। मतलब कि जो वैदिक काल की शिक्षा होती थी वो धार्मिक और शिक्षा तो होती थी, उसके साथ ही उसमें केवल संस्कृत भाषा को ही महत्व दिया गया था, किसी अन्य भाषा का वहाँ पर कोई भी स्थान नहीं था। तो ये गलत है, ये वहाँ वैदिककालीन शिक्षा का दोष था कि सभी भाषाओं को मतलब कि वहाँ पर पढ़ाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ संस्कृत भाषा का ही अध्ययन कराया जाता था। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्राचीन काल में शैक्षिक विशेषताएँ एवं उनको वर्तमान समय में कहाँ तक अपनाया जा सकता है। मतलब कि जो प्राचीन काल की शैक्षिक विशेषताएं थी उनको हमारे आधुनिक समय में कहाँ तक अपनाया जा सकता है, मतलब कि उसका प्रयोग कहाँ तक किया जा सकता है। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है। प्राचीन कालीन शिक्षा को निम्नलिखित विशेषताएँ वर्तमान समय को लाभान्वित कर सकती हैं। ये हम लोग कुछ ऐसे लिख लेंगे ताकि अच्छा लगे एक्चुअली। तो चलिए इसके बाद हम लोग हेडिंग देख लेते हैं हमारी। जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है आदर्श मानवता। प्राचीन काल की शिक्षा मानव को आदर्श बनाने वाली थी। तत्कालीन शिक्षा नम्रता, परोपकार, सत्य वचन, आध्यात्मिकता, पारस्परिक स्नेह और मानवीय गुणों पर बल देती है। बल्कि जो प्राचीन काल की शिक्षा थी वो मनुष्य को सदाचार, आदर्श तथा सत्य वचन आदि के गुण सिखाती थी। और तत्कालीन शिक्षा जो है हमारी आधुनिक शिक्षा है उसमें भी इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए ताकि छात्र अपने भविष्य में एक उत्तम जीवन व्यतीत कर सके। चलिए इसके बाद चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। चलिए देख लेते हैं प्राचीन काल में शिक्षा मानव को आदर्श बनाने वाली थी। जब विज्ञान, तकनीकी, उद्योग, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में मानव को आगे बढ़ाती है। प्राचीन काल की शिक्षा आधुनिकता के प्रति आस्था उत्पन्न करने वाली थी, अतः हमें प्राचीन कालीन शिक्षा को भी अपनाना चाहिए। बल्कि प्राचीन काल की शिक्षा मानव का आदर्श बनाती थी, आध्यात्मिकता का विकास करती थी मानव के अंतर्गत। जो अब की शिक्षा है वहाँ पर विज्ञान, तकनीक, उद्योग, व्यवसाय आदि पर अधिक बल दिया जाता है, तो इसीलिए हमें प्राचीन काल की शिक्षा को भी नहीं भूलना चाहिए, उसे भी अपनी शिक्षा प्रणाली में एक विशेष स्थान देना चाहिए। इसके बाद चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है प्रकृति का सुखद वातावरण। गुरुकुल ऐसे वातावरण में स्थित होते थे जहाँ नगरी कोलाहल नहीं होता था। बल्कि आपने देखा होगा टीवी पे जहाँ पर भी रामायण वगैरह का जो आपने देखी है तो देखा होगा जो गुरुकुल होते थे ना वो पूरे जंगल के बीचों बीच स्थित होते थे। वहाँ पर कोई भी गाँव नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, कोई फैक्ट्री वगैरह वहाँ पर मतलब कुछ होता ही नहीं था, सिर्फ जंगल के बीच में गुरुकुल होता था एकदम शांत वातावरण में। तो ऐसे में जब क्या होता है ऐसी जगह पे जाकर जो स्कूल कॉलेज होते हैं तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके जो मस्तिष्क पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो पूरे शोर शराबे से दूर होकर पढ़ाई करते हैं, वो अपना मन अच्छे से पढ़ाई में लगा सकते हैं। इस प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव छात्रों को के व्यक्तित्व पर भी पड़ता था। तो ये तो स्वाभाविक ही है, अगर जो आपका कहीं पे आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ का सीन बहुत शांत है, अच्छा है, तभी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर जो आपके आसपास शोर हो रहा है तो आपका ध्यान भटक जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट विद्यालयों का नियंत्रण। आधुनिक युग में विद्यालयों में अनेक प्रकार के संगठनों का हस्तक्षेप होता है।
परंतु प्राचीनकालीन विद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं में गुरुजनों का ही पूर्ण अधिकार होता था। इससे पहले मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन में ये हेडिंग लिखवाई थी, तो मतलब कि जो आधुनिक युग के विद्यालय हैं यहाँ पर अनेक संगठनों का हस्तक्षेप होता है तो सच है, और परंतु लेकिन जो प्राचीन काल के विद्यालय थे वहाँ पर सिर्फ गुरुओं का ही अधिकार होता था, वहाँ पर किसी अन्य का कोई भी उसमें अधिकार नहीं होता था। तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी। तो आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एक क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सर लाइक कर दीजिए, मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।